अब शायद आपको ऑडियो भी मिल गया है यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे राइट। चलो गुड इवनिंग अश्नीत कौर, रघुवेंद्र, दीप्ति ओझा, शुभम झा, सभी को गुड इवनिंग बेटा। तो गाइज ये रहा आज का 30 और 30 क्वेश्चंस करने का तरीका यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी चीजें करेंगे मैं यहाँ पे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने यहाँ पे, प्लस स्पेशल सेशन में किए हैं, और उसके बाद जो हमारा यूट्यूब पे भी हमने बहुत सारे सेशन किए हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसके संग में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राइट। चलो शुभम झा बेटा, शुभम, आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट, आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट, राइट। ऑडिबल है ना सब कुछ यहाँ पे। अब देखो थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी, अनअकैडमी फॉलो कर लीजिएगा, जो नए बच्चे हैं वो फॉलो कर लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे जुड़े भी हुए मेरे साथ यहाँ पे। ये डायरेक्ट लिंक है यहाँ पे, ये डायरेक्ट लिंक रहेगा, और ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। किस में मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। और संग में अगर हम मान का याद करें तो ये क्या है यहाँ पे, तो भैया जिस समय आप प्लस का कोर्स लेके लेने जाएंगे यहाँ पे, सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पे अन अकेडमी को यहाँ पे, उस समय यहाँ पे मान यूज कर लीजिए फॉर 10% डिस्काउंट, ठीक है। आप जो स्पेशल क्लासेस देखते हैं उसके साथ भी जो डिस्काउंट अवेल एक्स्ट्रा कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए पूरा का पूरा सेशन देखा करिए सभी, क्लियर। चलो अभी ऐसा कुछ प्रोफाइल दिखेगा मेरा यहाँ पे, अन अकेडमी का प्रोफाइल जो है ये काफी पुराना है अभी, ठीक है। लेकिन अभी की डेट में अगर अपडेटेड दिखेगा तो ये अपडेटेड में आप देखेंगे, लेकिन फोटो मेरा यही रहेगा, फोटो विल रिमेन सेम, राइट। चलिए ऑडिबल है बेटा शिवम, ऑडिबल तो हो चुके हैं ना अभी यहाँ पे, क्यारा सक्सेना बेटा, ठीक है। हाय, अब देखो यहाँ पे ये शेड्यूल रहा मेरा यहाँ पे, टिल दिवाली, अभी 4 बजे क्लास नहीं लेंगे टिल दिवाली, लेकिन जनरली हमारा यही शेड्यूल चलेगा 12 और 4 बजे, लश का शाम 5:30 बजे। आज कुछ जब मेरे हाथ में चीज नहीं है, इंटरनेट जो लाइन थी वो खराब होने चलती आज क्लास नहीं ले पाए यहाँ पे, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो वाईफाई स्टडी के रात्रि 9 बजे मिलेंगे यहाँ पे, राइट। क्लास टाइमिंग लोकेश कुमार बेटा 9 बजे है यहाँ पे, 9 बजे क्लास की टाइमिंग होगी मंडे टू फ्राइडे इस चैनल पे, और जबकि सैटरडे एंड संडे होगी आपकी वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पे, मेन चैनल पे होगी, राइट। तो ये दोनों जगह पे आप मेरे साथ मिलेंगे यहाँ, राइट। अब जो प्लस का कोर्स हम लेंगे तो वो एक बैच हुआ है इसमें, तो उसको हम बता देते हैं, ये वो बैच है यहाँ पे, ये वो बैच है यहाँ पे, ठीक है। आज इवनिंग में बेटा क्लास नहीं हो पाई थी, राइट। 2 नवंबर से बैच स्टार्ट है, तो उसमें आप एनरोल कर लीजिएगा यहाँ पे। एनरोल करने के लिए यहाँ मेरे साथ कौन कौन है अभी देख लीजिए एक बार यहाँ पे, नमन अग्रवाल, दीपक तथ्यानी, दिस इज मी एंड हर्षवर्धन सर इंग्लिश के लिए होंगे यहाँ पे, दीपक सर रीजनिंग के लिए, और नमन सर क्वांट्स के लिए होंगे यहाँ पे, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं, ये जल्दी से देख लीजिए एक बार यहाँ पे। 12 महीने और 24 महीने का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जहाँ बात करें तो ये होता है 6,000, ये होता है 7,200 होता है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैं हमेशा इनकरेज करूंगा आपको इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 साल का कोर्स लेते 5,400 है, लेकिन सिर्फ 1,080 एक्स्ट्रा देने से पूरा 1 साल और एक्सटेंड हो जाएगा, तो हमेशा 2 साल के लिए ही आप लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और लेते वक्त यहाँ पे 7,200 से 6,480 कैसे होगा, सिर्फ मान के साथ होगा यहाँ पे, क्लियर। चलो अब यहाँ पे गाइस ये रहा आपका पहला प्रश्न यहाँ पे, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जोग्राफिकल मेरिडियन एट द प्लेस इज, ये आपको बताना है, किसी स्थान पर चुंबकीय मेरिडियन और भौगोलिक मेरिडियन के बीच का कोण क्या कहलाता है, ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। एजिमुथ कहलाता है यहाँ पे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या फिर लेटीट्यूड क्या कहलाएगा। दीप्ति हो जा बेटा एडवांस में हमारी तरफ से दिवाली, बट डोंट वरी हम मिलते रहेंगे दिवाली में भी, ठीक है। अब जल्दी से इसका आंसर बताइए, ज्योग्राफिकल और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या फिर लेटिट्यूड, या फिर एजिमथ, क्या कहा जाएगा इसको, जल्दी से बताइए इसका आंसर। ठीक है बच्चा पार्टी जल्दी से, एंगल ऑफ, इश्नीत ने कहा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, भाई बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ लीजिए यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल हमारा एक होता है पोल्स होते हैं यहाँ पे, राइट, एक होता है नॉर्थ पोल, यहाँ पे जी लिख देता हूँ, और यहाँ पे साउथ पोल, इसको लिख देते हैं यहाँ पे ज्योग्राफिकल लिख देते हैं। लेकिन जो हमारा अर्थ होता है उसके सॉलिड कोर जो होती है बीच में घूमती है, इसके चलते हम एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं, तो नॉर्थ पोल जो मैग्नेटिक होगा वो थोड़ा सा एंगल बना होता है यहाँ पे, थोड़ा सा झुका हुआ होता है, तो ये जो एंगल होता है इसको हम थीटा कहते हैं, और इसी थीटा को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक
ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे साउथ मैग्नेटिक पोल आपको पोल देखने को मिलता है। याद रखिएगा ये स्टैटिक नहीं है, एक जगह पे नहीं रुकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर यहाँ पे हलचल होती रहती है, थोड़ा बहुत मूव भी करते रहते हैं यहाँ पे। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को यहाँ पे? वैष्णवी, त्यागी, दीप्ति, ओझा, राघवेंद्र, आईपीएस, शुभम, सबको क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न के लिए। लेक फॉर्म इन कट ऑफ रिवर अ मेंडर इज कॉल्ड, ठीक है, नदी के कटे हुए हिस्से में बनी झील एक मेंडर कहलाती है, उसे हम क्या कहते हैं, किस तरीके की झील कहलाती है वो? पलाया झील, मिट उल्का झील, ऑक्सबो झील या फिर क्रेटर झील, कौन सी झील यहाँ पे कहलाएगी, ये आपको बताना है। अब जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर बताओ। नदी ऐसे ऐसे बह रही है, अरे यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, ठीक है, यस चलो। तो नदी बहती है बेटा ऐसे, है ना, तो नदी का जो कट ऑफ होता है, मतलब मान लो कि ये पानी अलग थलग हो गया, नदी यहाँ पे डायरेक्टली यहां से मिल गई यहाँ पे, राइट, या फिर यहां से मिल गई, तो ये जो हिस्सा होता है बचा हुआ हिस्सा, इसको हम बेटा मेंडर कहते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, मेंडर कहते हैं यहाँ पे, और इसको हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही पहचाना बच्चा पार्टी यहाँ पे। तो ये देखो इसको पहचानने की वजह खाली क्या है, यहां से देखो ये गाय का या भैंसे का पैर के समान यहाँ पे खुर जिसको बोलते हैं उसके समान दिख रहा है कि नहीं पड़ रहा, तो वहां से ऑक्स के पाँव के समान और बो तीर धनुष का जो धनुष होता है उसके समान दिखता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। मिट्रोइक जो लेक होंगी यहाँ पे, ये किससे बनती है यहाँ पे, जब उल्का पिंड पृथ्वी पे टकरा जाता है उसके बाद जो गड्ढा बनता है फिर पानी पड़ता है, उसको मिटोरिक लेक कहते हैं यहाँ पे, जबकि क्रेटर लेक ये वॉल्केनो में देखने को मिलता है जो एक्सटिंक्ट वाले होते हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट क्लियर है यहाँ पे सबको? सीमा ताइडे बेटा, ठीक है, फोर नहीं होगा बेटा, अभी बता के हटे ना, क्रेटर लेक वॉल्केनो से होगा यहाँ पे। अब बड़े सबको क्लियर हो गया बेटा यहाँ पे? गोखुर, गोखुर लेक कहते हैं इसको, बढ़िया राघवेंद्र। आगे देखो बेटा यहाँ पे इश्नीत, ठीक है बच्चे बढ़िया। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे, हाँ बेटा ऑक्सबो लेक ही है, ऑक्सबो लेक ही है, हमने कब मना किया यहाँ पे शिवम झा। चलो देखो अगला प्रश्न देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट जियोलॉजिकल एरा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्गम भूवैज्ञानिक युग है, परमियन, ट्रैसिक, क्रिटेशियस या फिर जुरैसिक, कौन सा होगा यहाँ पे, ये आपको बताना है यहाँ पे, जल्दी से बताओ इसका आंसर यहाँ पे, जल्दी से। जिन बच्चों ने प्लस लिया हुआ ना, तो उसमें मैंने इसको समझाया था, उसमें इसको समझाया था यहाँ पे कि ये वाले कौन कौन से हैं यहाँ पे, ठीक। चलो अब जल्दी से आंसर बता दो इसका, आंसर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है जल्दी से। इश्नीत ने आंसर तो दिया है लेकिन क्वेश्चन मार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले क्या बनता है यहाँ पे, देखिए जो सबसे पहले होता है ट्रेसिक, फिर परमियन, फिर जुरैसिक, फिर आता है क्रिटेशियस, फिर प्रेजेंट वाला आता है, जबकि क्रिटेशियस यहाँ पे तीसरा सबसे पुराना होगा यहाँ पे, तीसरा ओल्डेस्ट होगा, तीसरा ओल्डेस्ट, ठीक है, जबकि जुरैसिक क्या हो जाएगा, जिसमें डायनासोर आता है यहाँ पे, डायनासोर, ठीक है, डायनो, जुरासिक पार्क मूवी आपने देखी होगी यहाँ पे, फिर आता है ट्रेसिक और फिर आता है परमियन। परमियन और इनकी बात करें यहाँ पे, तो आपने वो सीडीटी पढ़ा होगा यहाँ पे, जिसमें हमने बताया था ना आपको कि एक सुपर ओशियन सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर ओशियन एंड सुपर कॉन्टिनेंट वो इन्हीं का हिस्सा रहता है यहाँ पे, इस चीज को याद रखेंगे यहाँ पे। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा सभी को यहाँ पे? अगर नहीं क्लियर हुआ तो बता दीजिए, ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो बता दीजिए, अभी बताते हैं यहाँ पे, ठीक है जल्दी से, नहीं कंफ्यूज हो जाते हो तो वेट मिनट बेटा, तो इसके लिए एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं फिर आपको, एक मिनट, यहाँ पे एक इमेज है उसको हम दे देते हैं यहाँ पे संग में, यहाँ पे देखिए, वेट अ सेकेंड, मैं अभी आपके लिए ये दे देता हूँ इमेज। जुरैसिक पार्क नहीं होगा बेटा ये, जुरैसिक नहीं होगा यहाँ पे, राइट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम इसको कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं क्या दिक्कत है यहाँ पे। देखो देखो अगर हम सबसे पहले अगर सबसे जरूरी चीज समझने जाएं तो यहाँ पे एक ही चीज होती है, थोड़ा सा आपको ध्यान में देता सीडीटी,
ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी होती है उसको समझना होता है यहाँ पे, किसको, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को यहाँ पे। तो उसमें ही मैंने ये चीज समझाई थी आपको यहाँ पे कि भैया आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है यहाँ पे, वो कौन सी होगी यहाँ पे, वो ये होगी। हाँ शुभम जा एक्सप्लेन कर देते बेटा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, राइट। चलो अब इसको देखो यहाँ पे, ये इमेज भी हमने संग में इंसर्ट कर दिया यहाँ पे लो। चलो अब इस इमेज से हम समझ लेंगे लोग, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये इमेज भी आ गई संग में, यहाँ पे लो ये आ गई इमेज यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और बढ़िया हो जाएगा। लो अब देखो इसको हम इमेज में समझते हैं तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। देखो देखो ये वो इमेज है यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा सा इसको अगर हम जूम करके देखें यहाँ पे, ये प्रॉपर इमेज तो नहीं आया यहाँ पे लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आ जाएगा समझ में। तो ये बेटा प्रेजेंट है इस समय यहाँ पे, ये प्रेजेंट हुआ हमारा यहाँ पे, ये जुरैसिक हुआ और ये क्रिटेशियस हुआ और ये परमियन हुआ यहाँ पे, ये हुआ परमियन हुआ यहाँ पे, ठीक है। जबकि ये जो तीसरा यहाँ वाला है, एक हो गया क्रिटेशियस हो गया, जुरैसिक हो गया और ये टेरेसिक हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, टेरेसिक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए चलो देखो अभी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे परमियन में एक सुपर कॉर्डिनेट था, सुपर वो क्या होता है कॉर्डिनेट, एक रोशन था यहाँ पे। इसके बाद टेरेसिक में यहाँ पे दोनों हिस्से बट गए यहाँ पे, गोंडवाना एंड लोरेशिया में कट गए यहाँ पे, क्लियर। अब इसमें कट जाएगा, अब इसके बाद धीरे धीरे करके ये अलग अलग होते जाते हैं और फाइनल स्वरूप आज को आज की रूप में देखने को मिलता है। ये भी पूछ सकता है कि परमियन पीरियड कब का है यहाँ पे, 225 मिलियन ईयर पहले का, यहाँ पे 225 मिलियन ईयर पहले का है यहाँ पे, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई इश्नीत, इश्नीत क्लियर हुआ बेटा। आशुतोष तिवारी, शुभम झा, यूपीएससी वाले बाबा, आईपीएस यूपीएससी, ये क्लियर हो गया सभी को। विनी चौहान बेटा नमस्ते, बेटा उसका भी जो उपाय कर देते हैं यहाँ पे, डोंट वरी। ठीक है बेटा, जो इमेज मेरे पास मिली है, मैं कौन सा घर में इमेज बनाता हूँ, ठीक है, मैं इमेज घर पे थोड़ी बनाता हूँ। चलो देखो अगला प्रश्न यहाँ पे, द कप शेप्ड माउथ ऑफ वॉल्केनो इज, कप शेप्ड माउथ ऑफ वॉल्केनो इज, क्या कहा जाता है उसको, फोकस, एपिसेंटर, क्रेटर या फिर सेंटर कोन, ये आपको बताना है। अब जल्दी से इसका आंसर बता दें, कप शेप्ड जो वॉल्केनो का मुंह होता है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ये आपको बताना है यहाँ पे। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से, ठीक है। जो वॉल्केनो का मुंह होता है सब जानते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आप जल्दी से इसका बताइए। टेक्निकल एके कपूर बेटा, ठीक है बढ़िया। चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ यहाँ पे, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से, क्लियर हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। अब जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए मुझे यहाँ पे, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। क्रिएटर कहते हैं, पक्की बात है, सब कोई सोच लो एक बार यहाँ पे, सब कोई सोच लो। चलो तो यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए संग में, इमेज में यहाँ पे, तो यहाँ पे भैया इसको कहा जाता है क्रिएटर, कहा जाता है यहाँ पे। जबकि अगर ये दोनों टर्म देखें, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे, अर्थ क्वेक के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे, किसके साथ, अर्थ क्वेक के साथ, क्रिएटर बिल्कुल सही है। जबकि सिंडर कोन क्या होता है, देखिए एक बार इमेज देखते थोड़ी सी यहाँ पे, देखो ये जो मुंह होता है इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, यही क्रेटर होता है। जब ये बड़ा हो जाता था इसको कैलडेरा कहते हैं हम यहाँ पे, क्या कहते हैं, कैलडेरा कहते हैं यहाँ पे। जबकि अगर हम सिंडर कोन्स देखें तो ये एक देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हल्के हल्के छेद से निकले रहते हैं ना इसमें से, जो चुपके से बाहर से यहाँ से लावा फेंकते रहते हैं धीरे धीरे से, छोटे छोटे मुंह इसके रहते हैं, लीकेज एक तरीके से कह सकते हैं आप यहाँ पे, तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, सिंडर कोन्स कहते हैं यहाँ पे, राइट, शंकु कोन कह सकते हैं, सिंडर कोन। अब इसके संग में देखो यहाँ पे जो नीचे है, यहाँ पे मैग्मा चैम्बर है, इसको हम जब
ये ऊपर जाता है यहाँ पे, जब ये सतह के ऊपर जाता है तब बेटा इसको हम लावा कहते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, लावा कहते हैं यहाँ पे, क्रिएट हुआ यहाँ पे। बिल्कुल दीप्ति बेटा, लॉक क्रिएट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अंकित शंखवर, शंखवर टेक्निकल एक कपूर बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो एक चीज और देखो कि मैग्मा बनता कहाँ है, हम सब जानते हैं पृथ्वी की सतह के नीचे बनता है, कोई इशू नहीं है बताने में यहाँ पे, लेकिन जो एक्चुअल में जोन है वो है सेनोस्फेयर है यहाँ पे, ठीक है, वहां पे बनता है। ये मेंटल का अपर पार्ट होता है, ये मेंटल का अपर पार्ट होता है यहाँ पे, याद रखना इस चीज को यहाँ पे। पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पे विनीत चौहान, ले ली बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेटा 5:30 बजे कल से जुड़े हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त यहाँ पे MAAN सिंपल सा है, मेरा नाम गगनदीप मान, गगनदीप सिंह मान, राइट, तो इससे मैं मिल जाऊंगा वहां पे, क्लियर। चलो विनीत बेटा बहुत बढ़िया, चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, द स्टैग्नेंट वाटर एट द बॉटम ऑफ द लेक इज कॉल्ड, झील के तलहटी में यहाँ पे वो क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पे जो वाटर होता है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एक्विलिमिनियन कहते हैं, मेटालिमिनियन कहते हैं, फिर उसके बाद फिर से गलती से लिखा गया यहाँ पे मेटामिलियन, हाइपोलिमिनियन कहते हैं, क्या कहेंगे इसको जल्दी से बताइए, क्या कहेंगे इसको हम जल्दी से बताइए एक बार यहाँ पे, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर बेटा जल्दी से बताइए सभी, सी बता रहे हैं बेटा, बेटा सी और बी में तो कोई अंतर नहीं रहा यहाँ पे, मेटामिलियन ही रह जाएगा, जबकि अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, नहीं सिंडर नहीं बेटा, सिंडर नहीं है उसका, क्रेटर है, पिछले का आंसर क्रेटर है बेटा, क्रेटर है यहाँ पे, याद रखिएगा, क्या है इसका आंसर, क्रेटर है यहाँ पे। चलो इश्नीत कौर बेटा बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, करेक्ट आंसर ये इश्नीत का है यहाँ पे, हाइपोलिमिनियन कहा जाता है यहाँ पे, देख लो एक बार यहाँ पे क्या कहा जाता है, हाइपोलिमिनियन कहा जाता है, सबसे ऊपर की सतह को यहाँ पे एपिलिमिनियन कहा जाएगा, फिर थर्मोक्लाइन आ जाता है बीच में यहाँ पे, बीच में ही मेटालिमिनियन भी आ जाएगा, और सबसे बॉटम में हाइपोलिमिनियन। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये समग्र केस दिखाया हमने यहाँ पे, जब यहाँ पे सर्दी पड़ेगी, विंटर आएगी, तब ये क्या होगा, जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये थर्मोक्लाइन जो गर्म और ठंडे पानी को अलग अलग करती है, ये थोड़ा नीचे खिसक जाएगी यहाँ पे, ये क्या करेगा, कट जाएगी यहाँ पे, नीचे खिसक जाएगी यहाँ पे। बेटा हिंदी में कैसे है भैया, जो हिंदी में देख रहे हैं वैसे मिलेगी आपको, ठीक है, चलो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इसको जान के रखिएगा, ये समर का होता है, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सर्दियों के दिनों में यहाँ पे एपिलिमिलियन कमेगी या बढ़ेगी, तो बेटा याद रखना ये बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज इन विंटर्स, इन विंटर्स, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पे, क्या कहते हैं उसमें, क्या होता है वो, क्या होता है, गर्मियों में यहाँ पे, ठीक है, हाइपोलिमिनियन कहते हैं इसको, एपिलिमिनियन ऊपर और हाइपोलिमिनियन नीचे, हाइपर मतलब गहराई, ज्यादा, हाइपर मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है ना, हाइपर, वैष्णवी त्यागी इफ यू आर रॉन्ग देन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मेक इट करेक्ट। चलो अगला प्रश्न देखो यहाँ पे, एन अर्थक्वेक इज ऑल्सो नोन एज, एन अर्थक्वेक इज ऑल्सो नोन एज, एक अर्थक्वेक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है, रिवर है, टेंपर है, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताइए एक बार, क्या होगा इसका आंसर, एक भूकंप को और किस नाम से भी जाना जाता है ये आपको बताना है यहाँ पे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, फटाक से समय ना गवाते हुए यहाँ पे, ठीक है जल्दी से। चलो चार ऑप्शन बता दिए हैं यहाँ पे, तो लेकिन इसको अलग किस नाम से जाना जाएगा ये आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है जल्दी से, टीचर ट्रेमर टेम्पर या फिर नन ऑफ दीज, दीप्ति ओझा बेटा क्लियर है, बढ़िया है यहाँ पे, रमेश कटड़ी कतरी ट्रेमर, शिवम कुमार बेटा बहुत बढ़िया, यहाँ पे टेम्पर नहीं होगा बेटा, टेम्पर नहीं होगा यहाँ पे, ट्रेमर कहते हैं यहाँ, या फिर टेम्पलर या फिर क्वेक कहते हैं हम यहाँ पे, सिंपल सा क्वेक कहेंगे यहाँ पे,
ये चीजें याद रखिएगा। अब जो पीछे हमने देखा था ना, यहाँ पे इसके पीछे देखा था, यहाँ पे इस केस में जो फोकस एंड एपिसेंटर देखा था उसी को समझो यहाँ पे, ठीक है, उसको समझो यहाँ पे, फोकस एंड एपिसेंटर, फोकस एंड एपी सेंटर जो होगा यहाँ पे वो भूकंप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो कैसे, ये फोकस कौन सा पॉइंट होगा, बिलो द सरफेस होगा, बिलो द सरफेस होगा यहाँ पे, और जो कि ये क्या होगा, ऑन द सरफेस, सतह के ऊपर सतह के नीचे होगा यहाँ पे। इन दोनों को याद रखें, सेंटर से गलती मत कर। क्वेश्चन में भी पूछता है, व्हाट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, तो उसमें बेटा आंसर फोकस होता है, एपिसेंटर नहीं होता है, एपिसेंटर सतह पे बोल देगा तब हो जाएगा यहाँ पे। पॉइंट क्लियर है सभी को यहाँ पे? विनीत चौहान बेटा ठीक है, कोई बात नहीं यहाँ पे, ठीक है, सभी को शेयर कर देना, ठीक है, मुझे पता है लाइक तो कर देते हो, शेयर नहीं करते हो, ठीक है, तो जो भी आप टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हो ना, इतना कुछ यूज करते हो तो उस पर शेयर कर देना यहाँ पे। हाँ बेटा यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ पे इसको नापने के लिए जो चीजें यूज होती है, एक होती है यहाँ पे रिक्टर स्केल होता है, यहाँ पे एक होता है बेटा मर्क्यूली होता है यहाँ पे, ये इंटेंसिटी के लिए यूज होता है यहाँ पे, और जबकि ये मैग्नीट्यूड के लिए होगा यहाँ पे, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे सिस्मोग्राफ भी होता है वो तो सब जानते हैं यहाँ पे, लेकिन रिक्टर स्केल की अगर बात करें तो 0 to 9 का स्केल होता है यहाँ पे, ठीक है, और ये 0 to 12 का स्केल होता है यहाँ पे। पॉइंट क्लियर बेटा? यहाँ पे किसका था ये, राघवेंद्र का, राघवेंद्र बेटा चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। लेकिन अगर रिक्टर स्केल की रीडिंग की बात करें, 4.5 की रीडिंग के साथ ही झटके लगने महसूस हो जाते हैं, और 7 के रीडिंग के बाद ना तुम रहोगे ना मैं रहूंगा, कोई नहीं रहेगा यहाँ पे। बिल्कुल शुभम बेटा, देखो कंपटीशन जितना बढ़ाओगे उतना ही फायदा है यहाँ पे, ठीक है, उतना ही फायदा है। कल की डेट में देखो, अभी सभी का एक-एक करके यहाँ पे एक-एक करके हम क्या करते हैं, अगर इंडिविजुअली सभी का क्वेश्चन पढ़ भी पा रहा कौन क्या पूछता है, जिस दिन ज्यादा हो जाएंगे, जिस दिन मान लो कि आपके सर थोड़े से फेमस हो गए तो बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, ठीक है, तो उस दिन क्या हो जाएगा, उस दिन किसी का जल्दी पढ़ नहीं पाएंगे यहाँ पे। राहुल राम बेटा ये जीके के मिक्स क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, 30 से ज्यादा ही के ज्यादा ही क्वेश्चन आज के यहाँ पे, राइट। चलो प्रेम कुमार अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन ट्वाइस, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा, मैंने करेक्ट तो किया था वहां पे, मैं देखा था कि ये राशि बताता है, रेखा को 2 बार पार करती है यहाँ पे। चलो अब बेटा बच्चा पार्टी जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा। इश्नीत बेटा बढ़िया, शिवम मलवैया बेटा खुश हो, बी बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कैप्रिकॉन की बात करें तो ठीक है भैया, बिल्कुल साउथ अफ्रीका की नदी है यहाँ पे और मोजाम्बिक में बहती है, लिम्पोपो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। लेकिन अगर हम संघ में बात करें यहाँ पे तो कैप्रिकॉन को अगर हमने कैंसर से रिप्लेस कर दिया तो भारत की नदी बन जाती है यहाँ पे, दैट इज माहे, सब जानते हैं इसके बारे में, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब बच गई बेटा बीच की कौन सी, भूमध्य रेखा इक्वेटर, कौन सी इक्वेटर, तो उसमें यहाँ पे कोंगो या फिर जायरे नदी होती है, कोंगो या फिर जायरे, ये तीनों नदियां बेटा दो दो बार हर लाइन को कट करती है यहाँ पे। एमपी माहे नदी बेटा बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे गल्फ खंबात में गिरती है शिवम मलैया, बढ़िया। तो बेटा पॉइंट क्लियर हो गए, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा आगे से, ठीक है। जाम्बेजी नहीं होगा इश्नीत, जाम्बेजी नहीं होगा, वैष्णवी ठीक है भाई, लिम्पोपो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। जबकि ऑरेंज नदी आपकी पता कहाँ बहती है, नारंगी नदी, ये आपका साउथ अफ्रीका में बहती है यहाँ पे, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में बहती है। चाइना, चाइना किस चीज के लिए फेमस है बेटा, मंचूरियन वगैरह के लिए, तो वहां पे देखना एटलस निकाल के, शायद मेरे पास होगा यहाँ पे, बच्चे बोलते हैं कि सर आप हमें दिखाते नहीं हो एटलस, देखो यहाँ पे ग्लोब पे कहाँ गई हमारी लिम्पोपो, कोलोराडो मिल गई हमें यहाँ पे, हाँ ये मैं ये दिखाना चाहूंगा अगर देख पाओ तो यहाँ पे है बेटा नदी, वो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लिम्पोपो, यहाँ पे देखने को मिलेगा, एटलस साथ में रख लेना कभी कभी, जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो दिखा दिए करेंगे यहाँ पे इसको, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे जायरे की, बात करें यहाँ पे कोंगो या जायरे की बात करें तो ठीक यहाँ पे रहती है, ये रहती है यहाँ पे, अगर देख पा रहे हो तो
यहाँ पे जायरे नदी रहेगी, यहाँ पे जायरे जो इक्वेटर को दो बार कट करती है। पॉइंट क्लियर बेटा? ओके बेटा, अब देखो आगे यहाँ पे, ठीक है बेटा। राघवेंद्र तुम ही बोला करते थे कि सर हमें कभी दिखाते तो, वो नहीं यहाँ पे, देखो अब देखते चलना यहाँ पे। चलो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे, विलो फॉर अ क्रिकेट बैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो क्रिकेट बैट बनाने के लिए विलो का यूज किया जाता है वो कौन से जंगल से प्राप्त होती है? ट्रॉपिकल, दैट इज उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन, पर्णपाती वन, या फिर शंकुधारी वन, कौन सा हो गया? देखो बेटा देखा तो नहीं होगा क्योंकि लाइट पड़ रही है ना बहुत ज्यादा, तो देखा तो नहीं होगा ये हम भी जानते हैं, ठीक है। बट हाँ मैप अपने संग में लेकर लेके बैठा करो यहाँ पे, ठीक है। जिस समय हम बैठते हैं ना क्लास में तो लेकर करो बैठ के, ठीक है। चलो अब जल्दी से इसका आंसर बता दो यहाँ पे। इक्वेटर इशनीत बेटा, कोंगो या फिर दूसरे नाम से जायरे, कोंगो या जायरे दो दो नाम से जानी जाती है वो, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया यहाँ पे सब कुछ? ओके दीप्ति बेटा, सी डेसीडियस, बहुत बढ़िया यहाँ पे, बढ़िया। अब इसका जो साइंटिफिक नेम होता है यहाँ पे, कश्मीरी विलो, इंग्लिश विलो ऐसे नाम नाम बोलते हैं ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जरा मिलता है, तो इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, सेलिक्स एल्बा। सेलिक्स एल्बा ये इस लकड़ी का बोटानिकल नेम होगा यहाँ पे, इस चीज को याद रखिए। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन सब जानते हैं, दैट इज अमेज़न होता है यहाँ पे, अमेज़न होता है यहाँ पे। पॉइंट क्लियर? चलो डेसिडियस इश्नूत, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे आगे, यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न, मोल्टन रॉक्स बिलो द सरफेस कॉल्ड, अभी समझा के हटे हैं, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टानों को क्या कहा जाता है? यहाँ पे पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टानों को क्या कहा जाएगा ये आपको बताना। पहला है बेसाल्ट, लैकुलिथ, फिर उसके बाद लावा, फिर मैग्मा, क्या कहा जाएगा जल्दी से बता दो इसका आंसर। चल बच्चा जल्दी से बच्चा पार्टी इसका आंसर बता दो। चलो फिर हम जल्दी जल्दी आगे बढ़े यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मुमु बेटा आसाम से हो यहाँ पे, यस विनीत। सबसे लंबी नदी, लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट, विनीत करेक्ट टर्म यूज करो, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर है, ठीक है। तो यहां में क्या होगा बेटा, अभी बताया था यहाँ पे वो क्या होगा, यहाँ पे मैग्मा होता है सतह के ऊपर, यहाँ पे लावा होता है यहाँ पे, ठीक है। लावा भी बेसिकली दो तरीके का होता है, एक एसिडिक होता है एक बेसिक होता है। एसिडिक थोड़ा लाइट कलर का होता है, बेसिक थोड़ा सा डार्क कलर का होता है। जब कभी डिटेल में पढ़ाएंगे बताएंगे इसको यहाँ पे। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। खालिद अंसारी बेटा चार बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, जो तीन के साथ जा रहे हैं शिवम बेटा गलत कर रहे हो यहाँ पे, गलत मत करो यहाँ पे, अभी समझा के हटे हैं। लावा सतह के ऊपर सतह के नीचे, इसको याद रखना यहाँ पे। दीप्ति हो जा बेटा, लॉन्गेस्ट इज द नाइल, ठीक है। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे, कोई बात नहीं बेटा, अंग्रेजी जो है ना वो जान ले लेती है कभी कभी। यहाँ पे कौन सा शब्द कहाँ पे प्रयोग करना है सोच समझ के करना पड़ता है यहाँ पे, वो कहते हैं ना बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है यहाँ पे इस तरीके से, क्लियर। चलिए आगे देखो अगला प्रश्न यहाँ पे, विंड ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली इन वन डायरेक्शन इन रॉकी डेजर्ट फॉर्म्स, चट्टानी रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार उड़ती हुई हवाएं क्या बनाती हैं ये आपको बताना है। चिमनी, मशरूम रॉक्स, यार्डंग्स, या फिर डेमोजेल, डेमोसेल होगा, डेमोसेल क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन लगभग सभी के लिए नया होगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन लगभग सभी के लिए नया होगा यहाँ पे। जल्दी से बेटा जल्दी से आंसर बताओ इसका, सी ठीक है, एक आंसर आ गया, ठीक है। इशनीत कौर बढ़िया, मुझे लगा शायद ये नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। बट यू गाइज आर रियली गुड बेटा, किसका आंसर नहीं समझ में आया यहाँ पे बेटा, इसका आंसर है यहाँ पे यार्डेंग्स, इसका नाम है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे यार्डेंग्स, जबकि रेगिस्तान में ही यहाँ पे आपको मशरूम रॉक्स जो मैंने बहुत बार समझाया यहाँ पे। बेटा आई एम नॉट द मास्टर ऑफ अंग्रेजी, बट मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, बस इतना ही बोलूंगा यहाँ पे, ठीक है। आई कैन वॉक, आई कैन टॉक, आई कैन, बस आगे तो बोल नहीं सकता मैं, ठीक है। चट्टान वाले, ठीक है।
चलो ये वाला, जब रेगिस्तान में मान लो बेटा, यहाँ पे रेगिस्तान है, यहाँ पे क्या रेगिस्तान आ गया, यहाँ बीच में चट्टान मान लो यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे में हवा बहती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में बहती है यहाँ पे, तो अब बनते हैं आपके यार्डिंग्स बनते हैं यहाँ पे। देख लीजिए भाई, बीच देख लीजिए यहाँ पे, ये बन गए बेटा आपके यार्डिंग्स बन गए यहाँ पे। प्रिवेलिंग विंड, अपस्टैंडिंग रिजेस ऑफ द रेजिस्टेंट रॉक, तो यहाँ पे क्या बनते हैं, यार्डिंग्स बनते हैं यहाँ पे। जबकि ज्वेंजन्स कब बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे क्या होता है, हार्ड रॉक गिव्स राइज टू द अपस्टैंडिंग रिजेस, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे एक तरफ से बहती है, लेकिन इस तरफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्रॉस बहता है, ये चट्टानों के अलोंग बहता है, जबकि इसमें क्रॉस बहता है यहाँ पे। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इस चीज में यहाँ पे, ठीक है। इमेज के साथ क्लियर हो गया यहाँ पे। खालिद अंसारी यूपी कहां से बच्चे, ये तो बता दो पहले, यूपी से तो है लेकिन यूपी कहां से है बेटा। पिछला वाला कौन सा वाला, पिछला वाला यूपीएससी वाले बच्चे, स्मृता नाम था शायद आपका, है ना, क्या था, सीमा ताइडे बेटा, कौन सा क्वेश्चन, परेशानी किसमें है, देखो अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज, एक जो उत्तल लेंस हमेशा एक छवि बनाता है जो डैश होती है, रियल एंड इरेक्ट, वास्तविक और सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए यहाँ पे, ठीक है, जल्दी से। तब इसके साथ आपको जो इमेज जो क्लासिफिकेशन होती है वो भी समझा देंगे यहाँ पे, ठीक है। दिव्या गुप्ता बेटा कैसे हो, ओ रियली बेटा, आपके मम अनंतपुर साहब से हैं, दैट्स प्रीटी कूल। हाँ मैं अनंतपुर साहब से थोड़ा सा दूर हूँ, नंगल डैम, दैट साउंड्स गुड बेटा। अरे बरेली वाला, ठीक है, वो झुमके वाला बरेली बेटा। देखो अब एक चीज देख लो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जो देखो इसको समझने के लिए ये देखो, अब यहाँ पे पानी डाल दोगे फैल जाएगा ना, तो ये क्या हो गया, वैक्स की तरह फैल गया यहाँ पे, कॉनवेक्स हो गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे ऐसा होगा, पॉलिश अंदर की तरफ होगा, पॉलिश अंदर की तरफ होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होगा, तो बेटा वो कॉन्वेक्स होता है। उल्टा कर लो यहाँ पे, तवे की तरह यहाँ पे पानी गिराओ अंदर की तरफ जाए, केव की तरह अंदर चला, केव के अंदर पानी डालोगे तो अंदर जाएगा ना यहाँ पे, तो बेटा उसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो कॉनकेव होता है यहाँ पे, बात खत्म। जबकि अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस या इमेज की बात करें, एक होती है बेटा रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल, एक आभासी होती है और एक वास्तविक होती है यहाँ पे। तो रियल इमेज हमेशा बेटा इन्वर्टेड होगी, हमेशा इन्वर्टेड होगी, क्लियर, जबकि वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगा, ये हमेशा याद रखना। जबकि हमारा जो कनकेव है ना, वो दोनों तरीके की इमेज देता है हमें यहाँ पे, कनकेव जो कि अवतल लेंस होता है यहाँ पे, जबकि उत्तल लेंस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट देगा, दैट इज सेकेंड इज करेक्ट यहाँ पे, क्लियर हुआ बेटा यहाँ पे। और इसी के साथ याद रखना बेटा यहाँ पे, कनकेव कन्वेक्स गाड़ियों में दोनों यूज होते हैं, कनकेव कॉन्वेक्स यहाँ पे दोनों यूज होते हैं यहाँ पे गाड़ी में। कनकेव कहाँ यूज होगा यहाँ पे, कन्वेक्स कहाँ होगा, जो साइड व्यू मिरर होगा यहाँ पे उसमें हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स का यहाँ पे। आई हैव वन कॉन्वेक्स मिरर, आई एम गोना शो यू आउट, वेट अ मिनट, आई डू हैव वन कॉन्वेक्स मिरर विद मी, चलो अब देखो यहाँ पे। शुभम झा बेटा, हम किसी को नहीं भूलते बेटा, भूलते किसी को नहीं, हम यहाँ पे किसी को नहीं भूलते। देखो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे, ठीक है, क्या है यहाँ पे, ये कॉन्वेक्स मिरर, नहीं कनकेव है बेटा ये, पार्टन ये कनकेव है। क्यों कनकेव है यहाँ पे, क्योंकि इस केस में जो इसका अंदर वाला पोर्शन है ना, ठीक है, ये पॉलिश बाहर की तरफ से है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर से थोड़ा गहरा ही है इसमें यहाँ पे, ठीक है, अगर देखोगे तो थोड़ा सा आपको मालूम चलेगा यहाँ पे, देखने से पता चलता है यहाँ पे, ऐसे पता नहीं चलेगा इसको, ठीक है, तो इसके थोड़ा याद रखिएगा आप, ठीक है। कृपाल बेटा आज लेट हो गया आप, तो पॉइंट क्लियर हो गया बेटा यहाँ पे। तो इसीलिए हम यहाँ पे कनकेव को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा सभी को यहाँ पे। गाइस जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो MAAN पंच कर लेना, इश्नीत, ठीक है,
नहीं ये घर वाला नहीं है बेटा, ये घर वाला नहीं है, ये प्लेन मेरा नहीं है, ये मेरा है ठीक है। इसमें क्या होता है थोड़ा सा इनलार्ज दिखता है यहाँ पे, थोड़ा बड़ा दिखता है, इसलिए यहाँ पे हमें टर्बन नॉट करनी होती है तो उसमें हम यूज करते हैं। राइट शिवम झा, बेटा मैं आईपीएल देखता ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं देखता हूँ, मेरे पास समय नहीं होता है कि मैं आईपीएल देखूँ यहाँ पे। यस वी डू हैव अ ग्लोब। चलो अगला देखते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है। फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अनुज रानी बेटा बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फॉग किस चीज का उदाहरण है ये आपको बताना है। धुंध, कोहरा, गैस डिस्पर्स्ड इन, गैस लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, ये आपको बताना है। बेटा आप जल्दी से इसका आंसर बताओ। यहाँ पे चम्मच दिखाएं, चम्मच से बहुत क्लियर हो जाएगा भैया, चम्मच से दिखाएंगे ना तो उससे कंकेव कॉन्वेक्स बहुत क्लियर होता है यहाँ पे ठीक है। मुझे चम्मच ढूंढना पड़ेगा कि आखिर कहाँ रखा है मेरे सर्वर ने। चलो ओके श्नीत कौर, इंडियन आर्मी, ओके दैट्स प्रीटी गुड। सीडीएस और ओटीए, देखो तो यहाँ पे गैस डिस्पर्सन गैस नहीं, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे ठीक है। देखो इसमें हवा के अंदर यहाँ पे वाष्प रहते हैं, हवा के अंदर वाष्प के कण रहते हैं यहाँ पे, तो बेटा सॉलिड तो होने से गया यहाँ पे, दोनों सॉलिड वाला गलत हो गया। गैस के अंदर गैस ये भी नहीं होगा, तो लिक्विड डिस्पर्स इन अ गैस होगा, ये बेटा एक कोलाइडल सोल्यूशन कहता है। क्या कहलाता है? कोलाइडल सोल्यूशन कहलाता है यहाँ पे, कोलाइडल्स कहलाते हैं हम यहाँ पे इसको ठीक है। अब कितने तरीके के कोलाइडल्स होते हैं? हाँ ये क्वेश्चन पूछा बेटा, बेटा कॉन्वेक्स दिप्ति हो जाए बेटा कॉन्वेक्स। चलो ओटीए, बैंगलोर, बैंगलोर में है ना, बैंगलोर है, मैंगलोर में है यहाँ पे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। इवन आई वांटेड टू बिकम अ ऑफिसर बट माय मॉम डिडंट अलाउड मी टू, नो वेयर खाकी। चलो शुभम बेटा बढ़ते हैं आगे यहाँ पे ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा बेटा, लिक्विड गैस होगा यहाँ पे, कुछ कोलाइडल्स हैं यहाँ पे उनको देख लीजिए, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, किस किस तरीके के कोलाइडल्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं यहाँ पे लिक्विड एरोसॉल की यहाँ पे ठीक है। तो इसके इस बेस में हम क्या था, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, किसमें क्या चीज मिली हुई है, ये इसमें ये लिक्विड मिला हुआ है यहाँ पे। मीडियम क्या हुआ, जिसके अंदर जो चीज मिली होगी, जो चीज मिली होगी वो फेज और जिसमें मिली होगी वो मीडियम ठीक है। तो लिक्विड और गैस डिस्पर्स, लिक्विड इन गैस, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एरोसोल कहते हैं यहाँ पे ठीक है, लिक्विड एरोसोल। जब इसी को हम यहाँ पे अगली चीज बात कर दें यहाँ पे, जब हवा में धूल के कण हो जाएंगे, स्मोक हो जाएगा, तो उसको नॉर्मल एरोसोल कहेंगे यहाँ पे ठीक है। अब इसके संग में बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिक्विड के अंदर गैस रहेगा तो उसको हम फॉर्म कहते हैं यहाँ पे ठीक है। तो फॉर्म में तो ऐसा ही होता है यहाँ पे ठीक है, हवा निकल जाती है बाद में फुस हो जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लिक्विड में लिक्विड रहता है तो उसको हम इमल्शन कहते हैं, जिसमें क्रीम, मिल्क, मायो, वो क्रीम होती है वहां पे बेटा। ओके बेटा दिव्या, बेटा बहुत अच्छे, सबसे पहले आंसर करने के लिए बहुत बढ़िया, आगे भी करते रहिए ऐसे ठीक है। और इसके तरीके से यहाँ पे फिर सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड इमल्शन एंड सॉलिड सॉल्ट, सॉलिड में सॉलिड यहाँ पे, सॉलिड सॉल्ट कहलाएगा यहाँ पे, इस चीज को याद रखिएगा, सॉलिड में लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड, पार्डन, तो इसको हम सॉल्ट कहते हैं, जैसे पेंट्स हो गया, जेलीज हो गया, जो गंदगी वगैरह हो गई उसको कहते हैं यहाँ पे ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से याद कर लीजिएगा यहाँ पे क्लियर। चलो आगे देखिए यहाँ पे, तो बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया यहाँ पे कि कितने तरीके के यहाँ पे डिस्पर्स फेस मीडियम क्या होते हैं, सब चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे। जूही कुमारी, दानी, जूही, दिव्या, अंजू, हाँ बेटा बिल्कुल, उसमें क्या है, इसकी एग्जाम्पल लेके पूछ देगा सामने, तभी तो एग्जाम्पल देती है, बोल देगा कि 10 किस चीज की एग्जाम्पल है, तो बताओगे कोई ये एरोसोल है यहाँ पे, पर ये पूछ देगा कि एरोसोल में डिस्पर्स फेज कौन सा है, मीडियम कौन सा है, फेज लिक्विड हो गया, मीडियम गैस हो गया यहाँ पे, इस तरीके से क्लियर हुआ बेटा। चलो अब यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे अ डिवाइस यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज, ये तो डेली घर में करते हो यहाँ पे ठीक है। पहला है एम्पलीफायर, फिर है रेगुलेटर, फिर है स्विच, फिर है रेक्टिफायर, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताइए यहाँ पे। जल्दी से बेटा आंसर इसका क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ,
डिवाइस यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, पंखे की स्पीड। पंखे की स्पीड चेंज करते हो ना तो क्या होता है वहां पे? एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच या फिर रेक्टिफायर। भाई बहुत बढ़िया, तुम लोग होशियार हो ना, रेगुलेटर होता है यहाँ। बहुत बढ़िया, ठीक है, रेगुलेटर। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। इस केस में हम यहाँ पे वोल्टेज का कंट्रोल कर लेते हैं। किसको? वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं ये क्या वोल्टेज कंट्रोलर होता है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न यहाँ पे। अच्छा, पंखा करता है क्या यहाँ पे? ये इलेक्ट्रिक फैन जो होता है, इलेक्ट्रिक फैन इलेक्ट्रिक को यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है किसमें? विंड एनर्जी में। यहाँ पे विंड एनर्जी में, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से आई? इससे पहले ये मैकेनिकल थी। यहाँ पे क्या थी? मैकेनिकल एनर्जी थी यहाँ पे। क्यों? वो रोटेशन में वहां पे घूमा यहाँ पे। और ये मैकेनिकल एनर्जी से पहले क्या था यहाँ पे? ये था पोटेंशियल एनर्जी, था यहाँ पे पीई था यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से होगा यहाँ पे। ये यू ही बेटा, आप आफ्टर क्लास आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी। बट मैं एक चीज कहता हूँ, क्वेश्चंस को यहाँ पे अच्छे के लिए पीडीएफ लेनी है तो हमसे किलो के भाव से ले लो, हम किलो के भाव से दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, रेक्टिफायर क्या करता है? डीसी टू एसी, जो आपका इन्वर्टर में यूज होता है वहां पे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली विद इन द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड, ठीक है, वायुमंडल के भीतर क्षैतिज रूप से हीट ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, एब्जॉर्प्शन या फिर एडवेक्शन, क्या कहा जाएगा इसको यहाँ पे? क्या कहा जाएगा उसको? जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, जल्दी से बच्चा पार्टी आंसर बता दो। जल्दी से आंसर बता दो इसका। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एब्जॉर्प्शन या फिर एडवेक्शन? बी कन्वेक्शन होगा। चलो मान लेते हैं बेटा राघवेंद्र। टर्म देखो ध्यान से, क्या है? हॉरिजॉन्टली विद इन द एटमोस्फेयर, कन्वेक्शन। चलो बात समझ लेते हैं, राघवेंद्र का आंसर आ गया, जूही का आ गया, दीप्ति का भी सेम आंसर आ गया यहाँ पे, राहुल कुमार का भी सेम आंसर आ गया। और कोई बचा है यहाँ पे? अंजू रानी, इशनीत कौर, बी कन्वेक्शन, सबका कन्वेक्शन। तो मेरा मानना है कि आप सब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बेटा एडवेक्शन है। अब देख लो एडवेक्शन होता है क्या यहाँ पे, कन्वेक्शन नहीं होगा बेटा यहाँ पे। देखो देखो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कन्वेक्शन यहाँ पे क्या होता है? वर्टिकली अपवर्ड में राइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। कंडक्शन डायरेक्ट टच के चलता था, जबकि एडवेक्शन यहाँ पे क्या होगा? जब हमने टर्म यहाँ पे क्या हुआ बेटा, हॉरिजॉन्टली बात किया यहाँ पे, हमने क्या बताया? हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली होता तो कन्वेक्शन हो जाता, वर्टिकली होता तो कन्वेक्शन हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली है तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? एडवेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। सब ने कॉपी पेस्ट उठाकर चेप दिया था यहाँ पे सब ने। अब इशनीत ने आंसर बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा ये है एडवेक्शन होगा यहाँ पे। पॉइंट क्लियर होगा यहाँ पे सभी को? सब ने एक दूसरे का चिपका दिया पूरा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इमेज है, थोड़ा अच्छे से इसको देख लीजिए एक बार। वर्टिकली अपवर्ड, कन्वेक्शन, कंडक्शन मीडियम सेम रहता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टली हम फैला रहे हैं यहाँ पे, तो ये होगा यहाँ पे। सब एक दूसरे का डीबा डीबी लगे हुए यहाँ पे, ठीक है, कि एक भैया सीधा हुआ तो हम सब हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा ट्रिकी था यहाँ पे, राइट। तो ये था थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, तो इसको हमेशा याद रखना है, भूलना मत। मुझे पता है ये भूलोगे भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो हम गलत करते हैं ना उसको कभी भूलते नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलो चलो, हाँ, कन्वेक्शन बेटा हॉट वाटर करेगा, अगल बगल का पानी गर्म करता रहता है यहाँ पे। देखो आगे देखो अगला प्रश्न। नॉइस इज मेजर्ड इन, ठीक है, शोर डैश में मापा जाता है, वॉट, रेम, सेंटीग्रेड, डेसिबल। यस इशनीत, दैट साउंड्स गुड बेटा। सून यू विल बिकम द ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, विच वन यू वॉन्ट टू ज्वाइन? बेटा टॉपिक वाइज जो हम करते हैं ना, वो हम स्पेशल क्लास में करते हैं, अन अकेडमी भी करते हैं, अन अकेडमी पे, राइट। तो वहां पे जुड़ जाएगा मेरे साथ, राइट। चलो ठीक है,
Ishneet, good beta. That is D, decibel. Noise is also sound, right? देखो साउंड और म्यूजिक में अंतर क्या होता है. म्यूजिक वो जो मन बहला दे, जो आपका फेवरेट गाना हो, और वही गाना नॉइज भी बन जाता है. कब? सुबह का अलार्म लगा लो तो क्या बन जाएगा? नॉइज बन जाएगा. ठीक है, जब यहाँ पे दो वेव सुपर इम्पोज हो जाती है तो उसको हम नॉइज कह सकते हैं. वॉट की अगर बात करें, एनर्जी का होता है सेंटीग्रेड तापमान के लिए. रैम किस चीज के लिए होता है? यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव जो डोजेस देते हैं ना, हम यहाँ पे डोजेस देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें रोइंगटम जो जो टर्म है वहां पे यूज किया जाता है. रैम टर्म होता है यहाँ पे. ये एसआई यूनिट है यहाँ, एसआई नहीं, यूनिट है खाली, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, चलो पॉइंट क्लियर को बेटा. तो स्टेटस डेटा 143 डेसिबल है यहाँ पे. तो डेसिबल की अगर बात करें, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ये लगभग 60 से 70 डेसिबल होगा. 80 पे चिल्ला मिल्ली करने बैठ जाओगे तो 80 हो जाएगा. अगर बढ़ा दिया 120 पे, 120 पे, तो भैया ये फुल नॉइस पोल्यूशन स्टार्ट कर देगा यहाँ पे, यहाँ इसके बीच का नॉइस पोल्यूशन. इसके बाद अगर 40 बढ़ा दिया इसको, 140 कर दिया, कान पे लगाओगे कान फट जाएगा, यहाँ कान फट जाएगा. ठीक है, चलो 2000 बिट डिप्ती हो जाए बेटा. 2000 और 20,000, देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2000 एंड 20,000. ठीक है, तो दो तरीके का जो साउंड होता है पहले, सबसे पहले जानो यहाँ पे, एक होता है ऑडिबल जो आप सुन सकते हो, और एक होता है इन ऑडिबल. तो ऑडिबल की रेंज तो बेटा क्या होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक यहाँ पे होती है. और 20,000 से लेके ऊपर तक बढ़ा जाए तो इसको हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं यहाँ पे, जबकि इसको हम क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक कहेंगे. तो पॉइंट क्लियर हो गया सबको यहाँ पे? क्लियर होगी चीज सबके ज्यादा? उसका 188 है, वो कान फाड़ देगा. चलो क्लियर. आगे देखो यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को यहाँ पे. चलिए अब बढ़े अगले प्रश्न के लिए. अ बैट कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि. दे कैन सी ऑब्जेक्ट इन डार्कनेस, क्या वस्तु अंधेरे में देख सकती है? दे हैव वीक लेग्स एंड लाइकली टू बी अटैक्ड बाय प्रेडेटर्स. ठीक है, कमजोर टांगों के चलते उनके ऊपर शिकारी हमला कर सकते हैं यहाँ पे. दे जनरेट फ्लैशेस ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश की चमक उत्पन्न करती है यहाँ पे. और इसके बाद बेटा 1 घंटे की क्लास होती है, ठीक है, इतनी जल्दी घबराओ मत बेटा. और चौथा ऑप्शन है दे जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स. क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बता दो. इवन की जो इन्फेंट्स होते हैं ना बेटा, वो भी अप टू 25,000 हर्ट्स तक सुन सकते हैं यहाँ पे, 25,000 हर्ट्स तक सुन सकते हैं, याद रखिएगा. चलो जल्दी से अब बढ़ो अगले प्रश्न के लिए, यहाँ पे जल्दी से आंसर करो इसका. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी से बताइए. यस, दे जनरेट एक इश्नीत बेटा, सभी याद रखना, सपना जूही सभी बेटा, सीमा ताइडे बेटा, दे कैंट सी, दे एक्चुअली कांट सी. सो ये होगा नहीं बेटा यहाँ पे, लाइट का कोई मतलब नहीं बनता, थोड़ी ना उसके पास यहाँ पे एवरेडी टॉर्च पड़ी हुई है वो लेके चला जाएगा यहाँ पे. ठीक है, और लाइकली टू बी अटैक बाय प्रेडेटर्स, नहीं बेटा. दे कैन जनरेट एंड कैन लिसन अल्ट्रासोनिक साउंड्स, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर. तो यहां से दोनों चीजें रखना, वो प्रोड्यूस भी कर सकती हैं और संग में अगर हम बात कर रहे हैं बैट करो ना, ठीक है, चलो बैट करो ना, बात करो ना, चलो ये सुन भी सकती है और निकाल भी सकती है अल्ट्रासोनिक यहाँ पे, जबकि बाकी सब यहाँ पे अगर हम बात करें डॉगी है वो ऑडिबल साउंड निकालता है लेकिन सुन सकता है अल्ट्रासोनिक, लेकिन ये दोनों करता है यहाँ पे. आगे देखो बेटा अगला प्रश्न. द स्पोक्स यूज इन द व्हील ऑफ बाइसाइकिल इंक्रीजेस इट्स, ठीक है, साइकिल के पहियों में इस्तेमाल होने वाली तीलियां इसकी डैश को बढ़ाते हैं यहाँ पे, जड़ता को, वेग को, त्वरण या फिर मोमेंटम को. शुभम जा, दैट वाज कूल. देखो आप एक चीज जान लो, टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है यहाँ पे. आप मेरी आदत है खुद की है, जैसे मैं खाना खाता हूँ तो मेरे सामने कोई ना कोई वीडियो चल ही रहा होता है, चाहे मैं जनरली जो होता है वो मैं डॉगीज की वीडियो देखता हूँ, जो फनी वीडियोस होती है वही देखता हूँ यहाँ पे. जुगनू के पास टॉर्च होता है यहाँ बेटा, ठीक है, चलो
दानी शाहू बेटा बहुत बढ़िया। मोमेंटम नहीं बेटा यहाँ पे, मोमेंटम क्या होगा? नहीं, बेटा मोमेंटम नहीं होगा, जूही कुमारी बेटा मोमेंटम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? नहीं, डी वाले गलत है बेटा, डी वाले गलत है, मोमेंटम नहीं होगा यहाँ। तो मोमेंटम का इसका मतलब क्या है? मोमेंटम क्या, मार्क्स इनटू एक्सेलरेशन, एफ इजिकल्स टू एम, ठीक है, ये चीज एक्सेलरेशन यहाँ। लेकिन यहाँ पे इसका ताल्लुकात ही नहीं है, ताल्लुकात ही नहीं यहाँ पे इसका, मोमेंटम नहीं होगा यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने सुना होगा, फर्स्ट लॉ का, फर्स्ट लॉ का अगर आपने सुना होगा, उसका उदाहरण देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है? जैसे कि हम कहते हैं ना बेटा, सिर्फ मोबाइल पे, वो भी सिर्फ मोबाइल पे, ठीक है? या फिर कोई बायोपिक वगैरह देख लेता हूँ मैं, बस ये दो तीन चीजें देखता हूँ। उसके पहले देखता था नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी चैनल, और हाँ पोगो चैनल भी देखता था मैं, ठीक है? चलो बेटा देखो, एक इंसान के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, जिसमें से उसे 8 घंटे अपनी स्लीप भी पूरी करनी है यहाँ पे, ठीक है, और 4 घंटे इसमें से घर वालों को फैमिली टाइम भी गुजारना है यहाँ पे, ठीक है, और 4 घंटे यहाँ पे खाने पीने नहाने में भी निकालना है यहाँ पे। कितना हो गया? 8 8 16 घंटे हो गए, ठीक है, अब बच गए 8 घंटे, ठीक है। फिर किसी को शोना मोना भी करना होगा यहाँ पे, तो वो 8 घंटे से निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जिस समय आप 24 घंटे को 240 घंटे की तरह प्रतिदिन इस्तेमाल करते हो ना, खाते खाते पढ़ना, ठीक है, कुछ भी करते हो, थोड़ा मान लीजिए आप इंस्टीट्यूट जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, अगर आप बाइक नहीं चला रहे हैं तो कुछ मत कीजिए, फोन से जो आपके जरूरी चीजें हैं, जो पढ़ने इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसको देखिए यहाँ पे, ठीक है। चलो बेटा, हमारे स्लीपिंग आवर्स तो खाली 4 से 5 घंटे के हैं, बड़ी मुश्किल से। चलो आगे देखो बेटा, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ आंसर पिछले देख लिया बेटा, यहाँ पे इनर्शिया होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगला प्रश्न यहाँ पे, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता डैश पर अधिकतम होती है, द पोल, ध्रुव, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, पृथ्वी का केंद्र, या इनमें से कोई नहीं। ये बेटा मैं वेब सीरीज बहुत देखता हूँ, मैंने कोई वेब सीरीज छोटी नहीं है। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर, मुझे क्या पता बेटा, तुम लोगों को मालूम होगा यहाँ पे बेटा, ठीक है। मैक्सिमम की बात करें यहाँ पे, इश्नीत का बिल्कुल सही आंसर, अभिषेक नागर का भी, पोल पे। देखो बेटा क्यों, देखो एक चीज याद रखना, एफ इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो पृथ्वी मान लो इसको, और एक आप मान लो, तो आप दोनों का किसी एक परफेक्ट टाइम के लिए कभी चेंज नहीं होगा मास, तो इसको हम निकाल देते हैं यहाँ पे, ये कांस्टेंट है, इसको निकाल, ठीक है, एक समय के लिए। ये हो जाएगा किसके, अपॉन आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 1/r² दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज फ्रॉम द सेंटर। तो 1/r² में क्या होगा, आप एक चीज जानते हैं यहाँ पे कि ये जितना, ये यहाँ पे इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये जितना बड़ा होगा ये उतना ही छोटा होगा, और ये जितना छोटा होगा ये बड़ा होगा, वाइस वर्सा होगा यहाँ पे। चलो शुभम देखो बेटा यहाँ पे, शर्मिष्ठा साहब बेटा सभी को फॉलो कर लेना आज, आज सभी बच्चा पार्टी फॉलो करके जा रहा है कहाँ पे, अनअकैडमी पे, राइट, कल दोपहर 12 बजे क्लास लेंगे वहां पे। चलो अब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो यहाँ पे पृथ्वी क्या है बेटा, चपटी है थोड़ी सी, ये वाला 12,741 है यहाँ पे, जबकि ये वाला भूमध्य रेखा पे 12,754 है, तो यहाँ पे लगभग कितना हो गया, 13 किलोमीटर का फर्क आ गया ना। तो यहाँ पे इसके हिसाब से क्या कह सकते हो, जब यहाँ पे डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है, तो उसके चलते यहाँ पे लीस्ट होता है कहाँ पे, भूमध्य रेखा पे, इस पे मैक्सिमम होगा यहाँ पे। बेटा पॉइंट क्लियर हो गया सभी को यहाँ पे, अंजू रानी बेटा मौज मस्ती बहुत होगी, अब पढ़ने पे देख लो यहाँ पे, ठीक है, अब पढ़ने पे ध्यान दो, शुभम अंजू, ठीक है, जल्दी सभी बेटा समझाएंगे समझाएंगे, तुम्हारी उम्र में जब तुम जाओगे ना, तुम आ रहे हो उस उम्र में, तुम्हें सोना वाला सब समझ में आएगा, पहले आंसर दे दो यहाँ पे, ठीक है। अनअकैडमी भी फॉलो कर लीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक लगा होगा, तो वहां से पहुंच जाएगा, ठीक है बेटा। सबको क्लियर हो गया, इश्नीत, दिव्या, शुभम, अंजू, दानिश, और उसके बाद श्रेष्ठा, राघवेंद्र, सबको क्लियर हो गया कि कैसे ये मैक्सिमम और मिनिमम होता है कहाँ पे। दीप्ति बेटा सबको क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो बेटा अब देखो आगे यहाँ पे अगला प्रश्न, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक
प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड टू कंट्रोल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक का उपयोग डैश को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है. एयर पोल्यूशन, वाटर, सॉलिड, नॉइस पोल्यूशन, किसके लिए? जल्दी से बताओ इसका आंसर. ओए नलायको, पढ़ लो निकम्मो, तुम लोग पढ़ते पढ़ते नहीं हो, हंसी मजाक ज्यादा करते हो. चलो जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे. चलो ओके, दैट साउंड गुड. अब जल्दी से इसका आंसर खा ले बेटा. क्लियर होगी सभी चीजें? बहुत बढ़िया. अब इसका आंसर बताना आपको यहाँ पे, इसका एयर पोल्यूशन. ठीक है बेटा इश्नीत बेटा, बहुत बढ़िया. सबसे पहले आंसर जूही का भी सही आंसर है. अब जूही बेटा बहुत बढ़िया, जल्दी से सभी आंसर करो, इतना टाइम क्यों लगाते हो यहाँ पे. अब एक चीज देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है या प्रेसिपिटेटर जो होता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने इस पे काम किया हुआ है तभी बता रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ये बेसिकली चिमनी से पहले लगा होता है. चिमनी से यहाँ पे एक चिमनी लाइट बना ली, तो इसके पहले यहाँ पे ईएसपी लगा होता है, यहाँ पे ईएसपी लगा होता है. ठीक है, अब ये क्या होता है यहाँ पे, ये जुड़ा होता है यहाँ पे सीएचपी से, कोल हैंडलिंग प्लांट से यहाँ पे. ठीक है, जहां पे बॉल मिल्स लगी होती हैं. तो यहाँ पे नहीं, बीच में बॉयलर आया था यहाँ पे, बॉयलर प्लस फर्नेस. तो फर्नेस में जिसमें कोयला जलाया जाता है उसके साथ क्या होते हैं, कार्बन के कण होते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ईएसपी में क्या करता है, करंट छोड़ते हैं. यहाँ पे क्या करते हैं, करंट छोड़ते हैं, जिसके चलते यहाँ पे ये चार्ज होके इसके साथ स्टिक कर जाता है और ये नीचे आ जाता है यहाँ पे. क्लियर, इस तरीके से काम करता है यहाँ पे. हाँ बेटा मैं ही सोना मोना, मुझे ही सोना मोना मान लो यहाँ पे, क्या दिक्कत है. ठीक है, आप प्यार से सोना मोना किसी को भी कह सकते हो, आप भी मेरे सोना मोना की तरह बेटा यहाँ पे. चलो डस्ट, ठीक है, डस्ट डस्ट नहीं बेटा, डस्ट में स्पेसिफिकली कार्बन को नीचे रखने के लिए काम करते हैं, कार्बन को रखने के लिए यहाँ पे. ठीक है सपना शर्मा बेटा, क्लियर हो गया सबको. आगे देखो अगला प्रश्न यहाँ पे. द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम व्हेन टेकन टू मून वुड, चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या आपको बताना, क्या सेम रहेगी, कम होगी, जीरो हो जाएगी, इंक्रीज होगी. यार बेटा मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, अनअकैडमी में फॉलो कर लेना, पता चल जाएगा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं. जल्दी से बता बेटा इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से क्या होगा इसका आंसर. देखो कोई हड़बड़ाहट नहीं है, ठीक है, इसीलिए बड़े इत्मीनान से आज की क्लास की है. ठीक है, जैसे कि सुबह में अगर आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने वहां पे. जल्दी से, हाँ इशनीत बेटा क्यों नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं. 12 और शाम 4 बजे बिल्कुल विदाउट सब्सक्रिप्शन, वहां पे जो प्लस का सेशन होता है, स्पेशल सेशन होता है, तो बेटा आप ही लोगों के लिए होता है वहां पे, राइट, डोंट वरी. तो वहां पे आप जो जिसको कहते हैं ना फ्री में जो क्लास होगी वहां पे होगी यहाँ पे. जल्दी से इसका आंसर बताओ यहाँ पे, कैसे हो जाएगा, रिमेन सेम कैसे हो जाएगा, ये तो बता दो, है ना, कैसे हो जाएगा, समझाओ एक बार, फिर हम समझाएंगे. कदे साडियां गावां कोल आओ. हाँ अभिषेक नायर बिल्कुल बेटा, पंजाबी लिखी है, दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग बेटा. हमारी पहली कक्षा जो होती है वो प्रारंभ होती है दोपहर 12 बजे, तत्पश्चात फिर शाम में हम बात करें तो वो होती है 4 बजे. क्लियर, अब एक बेटा देखो यहाँ पे, सभी इस चीज को समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को. देखो जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है बेटा, वो होता है टी इज इक्वल टू 2π√L/g. ठीक है, ये होता है L/g. अब पेंडुलम कैसा दिखता है बेटा, ऐसे दिखता है, ट्विंग 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 ट्विंग, टू और फ्रो मोशन होता है यहाँ पे, ऑसिलेटरी मोशन में आता है यहाँ पे. एल क्या होता है बेटा यहाँ पे, धागा होता है यहाँ पे. तब पेंडुलम तो सेम लेके जा रहे हैं, मतलब एल की वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं, 2π कॉन्स्टेंट अपने आप पे. तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √g के. ठीक है, एज वी नो जी की वैल्यू मून पे कितनी है, 1/6 है, 1/6 ऑफ अर्थ है यहाँ पे. तो अगर ये कम हो रहा है तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये इंक्रीज होगा कि नहीं होगा यहाँ पे बेटा जूही बेटा, इट्स डिपेंड्स अपॉन द हाइट. यस इंडीड, डिपेंड अपॉन द हाइट, राइट, इतनी बात याद रखना बेटा.
ठीक है, तो बेटा इससे जो टाइम पीरियड की अवधि होगी वो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। यहाँ पे पॉइंट क्लियर होगा बेटा यहाँ पे, यस, इसको बेटा बॉब कहते हैं, जो ये रहता है ना इसको बॉब कहते हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया, इंक्रीज होगा सर। जूही बेटा क्लियर हो गया यहाँ पे, सबको क्लियर हो गया यहाँ पे। अंजू, दिव्या, इशीर, जूही, दानी, दीप्ति, राघवेंद्र, शुभम, वैष्णवी, सबको क्लियर हो गया। सीमा ताइडे बेटा क्लियर हो गया। सेशन ऑफ CO2 इन ब्लड ड्यू टू एक्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इन लंग, ड्यू टू एक्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ O2 इन लंग, या फिर नन ऑफ दीज। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन आज का, यॉनिंग जो जवाई क्यों लेते हो, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन आज का यहाँ पे। ठीक है, ओए रिकम्मे शुभम बेटा, ठीक है, फिलोसफी मत झाड़, पढ़ ले थोड़ा सा, मैं किसी का सबके भाई बहन बनो यहाँ पे। ठीक है, चलो चलो बेटा, शुभम जल्दी से आंसर करो इसका, जूही बेटा जल्दी से। अब क्या रुक गया क्या ये? ठीक है, हम वापस आ गए बेटा। ठीक है, अब जल्दी से इसका आंसर बताओ यहाँ पे। ठीक है, वी आर बैक नाउ, अब जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, वी आर बैक, अब जल्दी से इसका आंसर बताइए। यॉनिंग बेटा मतलब जमाई लेना, यॉनिंग मतलब जमाई लेना, यॉनिंग मतलब जमाई लेना यहाँ पे। ठीक है, चलो क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो जो इश्यू था मैं रेक्टिफाई कर लिया था, राइट। तो यहाँ पे बेटा एक्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इन ब्लड के चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे करते हो ना, वो पूरा पूरा मुंह फाड़ लेते हो, वो होता है बेटा यहाँ पे, वी आर बैक राइट इन लंग्स, नहीं बेटा ब्लड होगा यहाँ पे राघवेंद्र, ब्लड में होता है यहाँ पे, किसमें, ब्लड में। ठीक है, जिसके चलते आपको सुस्ती आती है यहाँ पे, इन लंग्स नहीं होगा बेटा, इन लंग्स नहीं। ठीक है, चलो अब ये आपको बताना है यहाँ पे, जल्दी से बताओ।
अगला प्रश्न यहाँ पे क्या होगा, इसका प्रश्न कहते हैं आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। चलो ये चीज क्लियर होगी, यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पे बी नहीं बेटा, यहाँ पे देखो इस केस में, यहाँ पे अगर सिंपल सी बात करें, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। यहाँ पे जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो मतलब CO2 है यहाँ पे, टू नहीं बेटा वन, टू नहीं वन, ड्यू टू एक्सेसिव कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इन लंग्स, लंग्स नहीं ब्लड, टू नहीं बेटा वन, ठीक है। आप आगे देखो अगला प्रश्न यहाँ पे, नेम ऑफ इंडिया रिसर्च सेंटर एट द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल में भारत का कौन सा रिसर्च सेंटर, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री या फिर हिमाद्री, कौन सा होगा यहाँ पे। अरे मत छेड़ो हमारे बच्चे को, अरे सुस्ताओगे तो उस समय तो यही तो होगा। जल्दी से बेटा इसका आंसर बताओ, यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, नेम द रिसर्च सेंटर एट द नॉर्थ पोल। यस बेटा ब्लड ब्लड ब्लड, जूही बेटा ब्लड। अब इस केस में ये तीनों ही है हमारे यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे किसका, गंगोत्री का, तो ये एंटार्क्टिका में है, एंटार्क्टिका में है यहाँ पे। सोना सर ठीक है बेटा, ओके आई लव इट। हाँ बेटा ठीक है, बेटा मेरा खराब हो गया था यहाँ पे, ठीक है। इश्वित इश्नीत बेटा बहुत बढ़िया, यहाँ पे दैट इज द मैत्री इज द करेक्ट आंसर राइट। ये आर्कटिक में है, ये किस में है, आर्कटिक में है यहाँ पे, जबकि ये दोनों आपके कहाँ पे, एंटार्क्टिका में मिलेगा। चलो बढ़िया, चलो अगला प्रश्न बेटा पॉलिटी से है यहाँ पे, जल्दी से आंसर बताना। द हाई कोर्ट विच हैज अ डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द फर्स्ट चीफ जस्टिस इज, वह पहला हाई कोर्ट जिसके जिसमें सबसे पहली बार यहाँ पे एक वुमेन चीफ जस्टिस बनी थी, ये आपको बताना है अब यहाँ पे, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे, ठीक है। अब जल्दी से बताओ इसका आंसर, अब इस समय तो सभी यॉनिंग ही कर रहे होंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है, इस समय सब योनिंग ही कर रहे हैं, ये मैं भी जानता हूं, ठीक है। अब जल्दी से इसका आंसर बताओ, यहाँ कौन सा हाई कोर्ट है यहाँ पे जिसमें सबसे पहली बार जो वुमेन चीफ जस्टिस आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द वर्ब बेटा, कैसे जूही बेटा, टेक इट सीरियसली, ठीक है, थोड़ा सीरियसली लीजिए इस चीज को, ऑल ऑफ अब तो ऑप्शन ही नहीं है। देखो बेटा अगर हम बात करें तो आपको दो हाई कोर्ट याद रखने हैं, ठीक है, एक दिल्ली और एक हिमाचल। अगर फर्स्ट जज की बात करें यहाँ पे, फर्स्ट जज की बात करें, लीला सेठ का नाम याद होगा, वही है यहाँ पे, तो एक यहाँ पे फर्स्ट जज ये, जबकि फर्स्ट चीफ जस्टिस जो होंगी यहाँ पे वो हिमाचल की होती है यहाँ पे, ठीक है, वो किसकी होगी, हिमाचल की होगी बेटा। यहाँ पे चीजें क्लियर होगी, यहाँ पे बेटा शुभम पढ़ लो तुम बेटा आईपीएस यूपीएससी बेटा, आगे देखो अगला प्रश्न यहाँ पे, ठीक है क्लियर हो गया। जज की बात दिल्ली, अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी वुमेन चीफ जस्टिस की, तो हिमाचल होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, डिस्ट्रिक्ट जज किसके कंट्रोल में रहता है, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या गवर्नर, जल्दी से बताओ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज बेटा, कोर्ट नहीं जज, क्या होगा इसका आंसर। इश्नीत बेटा कहाँ गया आपका आंसर, दीप्ति बेटा ठीक है बढ़िया, चलो ठीक है, दिल्ली हो गया क्लियर। यहाँ पे अब देखो अगला प्रश्न यहाँ पे, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा, गवर्नर होगा यहाँ पे, इस चीज को याद रखिएगा यहाँ पे। जबकि अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति किसके तहत होती है, यहाँ पे प्रेसिडेंट करवाता है, तो जाहिर सी बात है तो गवर्नर कुछ देना मांगता है कि नहीं मांगता है, तो अपन देगा किसको, डिस्ट्रिक्ट जज को देगा इसको। अब अगला प्रश्न देखो यहाँ पे, द डिवीजन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी आर टू इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ, समाजवादी सरकार का रूप होता है, एकात्मक रूप की सरकार जो होती है उसका डेमोक्रेट होता है, या फिर फेडरल होता है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर, स्टेट गवर्नमेंट बेटा नहीं होगा वहां पे, स्टेट गवर्नमेंट के पास कभी भी किसी भी तरीके की जुडिशरी कंट्रोल नहीं कर सकती उसको, स्टेट गवर्नमेंट।
कोई बात नहीं शुभम बेटा, टेक इट इजी, टेक इट इजी। जैसे मैं कूल रहता हूँ ना वैसे कूल रहो। चलो अब एक चीज जान लो, यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक तरीके की जो सरकार होती है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डेमोक्रेटिक तरीके की सरकार को, यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार का ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड डिवीजन ऑफ पावर, ये बहुत जरूरी है यहाँ पे। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल बेटा 50 में आता है यहाँ पे, किसमें, आर्टिकल 50 में आता है। जबकि सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स की अगर बात करें तो उसमें स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट आता है, जो कि शेड्यूल 7 में आएगा यहाँ। क्लियर? चलो सीमा ताड़े बेटा, डोंट वरी, आप आंसर कीजिए, देर सवेरे हमारे पास पहुंच जाएगा और वही हमारे लिए जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे देखो अगला प्रश्न यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के क्षेत्र में कौन सा चीज यहाँ पे आएगा ये आपको बताना है यहाँ पे। पहला है डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, या फिर अगर बात करें डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर जान लीजिए, यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है यहाँ पे, डिस्प्यूट बिटवीन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत यहाँ पे ये भी इसमें जाएगा यहाँ पे। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला टर्म लगे यहाँ पे, लेकिन फंडामेंटल राइट में आपने क्या पढ़ा है यहाँ पे, आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बात खत्म यहाँ पे। अगला प्रश्न, अब आपको जज बनने के लिए बेटा कितनी उम्र चाहिए? अगर आप लोगों को जज बनना है यहाँ पे तो कितनी उम्र होनी चाहिए आप लोगों की, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन बेटा 20 साल, कितने साल की प्रैक्टिस चाहिए होगी यहाँ पे, ये जरूरी है। 20 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल। सुमन मिश्रा बहुत बढ़िया बेटा, इश्नीत बहुत बढ़िया, दैट इज द 10 ईयर ऑफ एडवोकेसी। या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे तो, अगर एक चीज और होती है यहाँ पे, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना हो तो वहां पे 5 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज भी बना रहना बड़ा जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो इनकी सब जान लेना यहाँ पे, तो जानते ही हो यहाँ पे 62 साल और 6 साल का कॉन्सेप्ट तो जानते ही हो यहाँ पे। ठीक है, जबकि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, 65 साल और 6 साल होता है यहाँ पे। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा सभी को यहाँ पे, चलो फिर आगे बढ़ा जाए यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा ये है, विच सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब? औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी, ये आपको बताना है यहाँ पे, जल्दी से आंसर बताइए। तेग बहादुर, औरंगजेब, हरगोबिंद या फिर गोविंद, जल्दी से। जल्दी से, सुंदर कौरव, बढ़िया बच्चे। देखो अब सभी बच्चा पार्टी फॉलो कर लेना, ठीक है, सुंदर बेटा फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जो स्पेशल क्लास होती है दैट इज अवेलेबल विदाउट दिस सब्सक्रिप्शन, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दिस, विदाउट सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो, बट वी वुड अर्ज टू ज्वाइन द सब्सक्रिप्शन पैकेज। क्यों? क्योंकि उसमें सब कुछ मिलेगा, वहां पे सब कुछ मिलेगा। क्लियर? श्री गुरु तेग बहादुर जी, दैट इज हिंद की इजादत, फादर ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पे 5वें सिख गुरु की हत्या करवाई थी किसने, जहांगीर ने, याद रखिएगा। क्लियर? अब आगे देखो अगला प्रश्न, बाबर का मकबरा कहाँ पे है? बहुत बउआ वाला क्वेश्चन है ही वाला, जल्दी से आंसर कर दिए यहाँ पे। अंश त्यागी बेटा, कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। नहीं बेटा, मुझे कोई भूख भूख नहीं लगती है, ठीक है, डोंट वरी, तुम्हें भूख लगी बेटा खा लो, ठीक है, अभी हमें भूख नहीं लगी है, बोलो भी मत खाने का नाम, ठीक है, अभी खाएंगे उसके बाद। ओके, माइट भी बेटा एक बार ना क्वेश्चन को थोड़ा सा ना उसका जो वीडियो का रेजोल्यूशन होता है उसको थोड़ा कम कर लो, थोड़ा वीडियो तेज चलेगा। नहीं सीमा तैड़े बेटा, लाहौर में इश्मीत बेटा, बाबर की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट बाबर, लाहौर कहां से हो जाएगा, जहांगीर का है लाहौर में, जहांगीर का, ठीक है, काबुल से पहले बेटा आगरा में था किसका, बाबर का, किसका, बाबर का।
बाबर जो है इसको लेके कौन गया था? शेर शाह सूरी लेके गया था यहाँ पे। पॉइंट क्लियर है यार? ठीक है, वैष्णवी भी आ गई, गुड। ठीक है इश्नीत बेटा, आगे से गलती मत करना। सीमा तड़े बेटा लाहौर में नहीं होगा, यहाँ पे काबुल में होगा, आगे से याद रखिएगा इस चीज को। क्लियर? चलो आगे देखो, यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे। Which one of the following first organized the Hajj pilgrim at the expense of the state was? निम्नलिखित में से कौन सा शासक पहले राज्य के खर्च पर हज यात्रा करने का आयोजन करता था? ये आपको बताना है। पहला है अलाउद्दीन खलजी, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। क्या होगा इसका आंसर? यस बेटा, छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ेंगी ओटीए में। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब इसका आंसर बता दीजिए बेटा, यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? अलाउद्दीन खलजी, अकबर। सबसे अवेलेबल कौन था यहाँ पे? अकबर थे यहाँ पे, तो यही काम करेंगे यहाँ पे। अलाउद्दीन खलजी नहीं होगा बेटा, अकबर होगा यहाँ पे। अकबर ने बहुत पैसा कमाया था, बहुत थूड़ थूड़ के पैसा कमाया था इसने। ठीक है, इतने मैट्रिमोनियल अलायंस के दहेज इतना मिला था इसको कि बस फिर ने सबको यहाँ पे क्या कर दिया, हज पिलग्रिम पे भेजने की योजना बना ली यहाँ पे। ठीक है चलो, आप ठीक है, आईपीएस यूपीएससी बेटा आपके प्रश्न थोड़ी लेट पहुंच रहे यहाँ पे। प्रिया शर्मा बेटा बी बिल्कुल ठीक था यहाँ पे, ये आपका अनपढ़ राजा होता है और इसी के साथ नगाड़ा बजाता है यहाँ पे। क्या नगाड़ा? नगाड़ा बजा, चलो ठीक है बढ़िया। हुमायूं नहीं करता बेटा, हुमायूं के पास तो पैसा ही नहीं था, राजी कहाँ किया इसने, कभी इसका इधर से भाई खींचता रहा, कभी उधर से खींचता रहा यहाँ पे, तो वो नहीं हुआ यार। क्लियर? अब आगे देखो अगला प्रश्न यहाँ पे। हजरत आला किसका टाइटल था यहाँ पे? बलबन, अलाउद्दीन खलजी, एमबीटी, शेरशाह सूरी। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से इसका आंसर बता दो बेटा। कभी कभी यूं होता है कि आपको क्वेश्चन लेट मिलते हैं, पर आप आंसर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है हाँ, शिव मुनि कुमार। ठीक है, आपका जो क्वेरी है बहुत अच्छा है, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। अंजू रानी बेटा मुझे भूख नहीं लगी है। शिव मुनि बेटा एक चीज जान लीजिए यहाँ पे, इसके लिए आपको सीएमओ के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। सीएमओ ये एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है, अगर वो सर्टिफाई करता है तभी आप पीडब्ल्यूडी में अप्लाई कर सकते हो, एल्स यू कैंट। राइट? तबला नहीं बेटा, नगाड़ा। चलो इसका आंसर बेटा जान लो, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, क्लियर? जिसने हुमायूं को हराया था यहाँ पे, उसके बाद दिल्ली की गद्दी पे बैठा यहाँ पे। चलो तो अगला है ये वाला प्रश्न, बड़ा मेरे ख्याल से लास्ट प्रश्न होगा हमारा खाली आज, शायद आज का यहाँ पे। लेकिन जाने से पहले एक बच्चा याद लीजिए, सभी फॉलो कर लीजिएगा मुझे अनअकैडमी पे, और सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा अनअकैडमी का आज ही। सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा आज ही इसका, हिस्ट्री को एक नए तरीके से और साइंस को ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने का एक अपना ही तरीका होता है, तो ये तरीका मेरे साथ पढ़िएगा आप, तो आप सब्सक्रिप्शन आज ही ले लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब नाउ, सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा 2 साल का, जैसे शुभम बच्चे ने लिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे मान जो होगा टर्म यहाँ पे यूज कर लीजिएगा, दैट इज रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा, MAAN। फिर से लेता हूँ MAAN। अब इसका आंसर बता दो यहाँ पे। ठीक है, औरंगजेब बेटा बिना बजाता था, बढ़िया है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा? गिर के कौन मरेगा? हुमायूं मरेगा यहाँ पे। ठीक है, हुमायूं मरेगा सीढ़ियों से गिर के, दीने पनाह पैलेस में, शेरमंडला लाइब्रेरी में मरेगा यहाँ पे। ठीक है चलो, अगर बेटा पीडब्ल्यूडी का सब सर्टिफिकेट है यहाँ पे तो बेटा बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो शिवमुनि, कर सकते हो बेटा। ठीक है, गेट आउट कर दिया था। ठीक है, गेट आउट कर दिया था, चलो बढ़िया। चलो बेटा अब ये शेड्यूल है हमारा यहाँ पे, शिवमुनि बेटा सभी देख लीजिएगा यहाँ पे, जितने नए बच्चे जुड़े हैं। दोपहर 12 बजे और 4 बजे फिलहाल, टिल दिवाली। ठीक है, दिवाली तक हमने इसको टाल के रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब हम सिर्फ अभी तक के लिए 12 बजे, लेकिन हाँ दिवाली खत्म होने के बाद रेगुलर यहाँ पे 12, 4, 5:30 और रात 9 बजे क्लास होगी यहाँ पे। और ये 5:30 वाला प्लस वाला कोर्स है ज्योग्राफी में, इसमें मेरे साथ जुड़ जाइए आप सब यहाँ पे, तो मजा आ जाएगा यहाँ पे।
वीडियो तेज कैसे करें बेटा? ये तो बहुत ही गंभीर क्वेश्चन पूछ लिया आपने यहाँ पे, ठीक है चलो। क्लियर, शेड्यूल सबको समझ में आएगा तो इस चीज को याद रखिएगा, और इसके संग में अगर हम बात करें बजाबाटी सभी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और इस और फॉलो करने के साथ यहाँ पे इसको शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ फॉर स्पेशल लेक्चर्स। जितने बच्चे हैं ये सभी के लिए ये फ्री क्लासेस रहती हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा सारे इसको शेयर कर दीजिए, प्रोफाइल को डायरेक्टली शेयर कर लीजिएगा ना, तो यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे देखिए, आगे है बेटा वो बैच की बात बताई मैंने यहाँ पे, तो सेकेंड नवंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, तो उसमें एनरोल कर लीजिएगा यहाँ पे, राइट। चलिए फर्दर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, और सभी बच्चे यहाँ पे जुड़ जाएगा मेरे साथ अनअकैडमी पे, आप आपका फ्रेंड, आपके फ्रेंड के फ्रेंड, आपके फ्रेंड के भाई, या जो भी अगर यहाँ पे अनअकैडमी पे कोई कोर्स में इनरोल करते हैं, तो उस इनरोलमेंट के साथ साथ जो सब्सक्रिप्शन मिलेंगे बेटा, तो इसको यूज कर लीजिएगा, दैट इज MAAN, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शिव कुमार मुनि बेटा, इसका जो जवाब है वो मैं नहीं दे पाऊंगा, ये आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, इसके बारे में नहीं बता सकते यहाँ पे। सीमा दाड़े बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब चलते हैं बेटा, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और जाते जाते बता दूं यहाँ पे 7 मिनट ट्रिक पे, अकबर के नवरत्न को याद करने की ट्रिक बताई है मैंने यहाँ पे 7 मिनट ट्रिक चैनल पे, राइट। तो वहां पे एक बार जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पे मंडे शाम 7 बजे होती है हमारे पास, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे इसको शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर तो कर ही दिया होगा यहाँ पे, लाइक भी कर दीजिएगा, और आज के लिए इतना ही। सत श्री अकाल, जय हिंद।